हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर फरहान अख्तर जब भी कोई मूवी पर काम करते हैं तो उनके काम को काफी सराहा जाता है, उनकी मूवी लोगों को काफी पसंद आती है। भले उनकी बात करें उनके एक्टिंग की या फिर बात करें उनकी मूवी के स्टोरी की, लोग काफी पसंद करते हैं। और अगर बात करें जब फरहान अख्तर किसी के बायोपिक पर काम करते हैं तो वो भी लोगों को काफी पसंद आता है। लास्ट टाइम जब फरहान अख्तर ने भाग मिल्खा भाग किया था तो उनकी एक्टिंग, उनका रोल लोगों को काफी पसंद आया था। अब इसी प्रकार फिर से फरहान अख्तर किसी के रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड एक मूवी बनाने जा रहे हैं, जिसका उन्होंने टीजर जारी किया है, मतलब मोशन पिक्चर जारी किया है। और उस मूवी का नाम है 120 बहादुर। जी हाँ, आपको बता दे ये 120 बहादुर रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, जो कि 18 नवंबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान लड़ी गई प्रसिद्ध रेजांग ला की लड़ाई इसमें दर्शाया गया है। और इसमें मोशन पिक्चर जारी करते हुए फरहान अख्तर ने उस मोशन पिक्चर में लिखा है कि वो 3000 थे और हम 120 बहादुर, यानी कि ये तो बात पक्की है कि इसमें बहुत बड़ा युद्ध दिखाने जाने वाला है, जिसमें जो अपोजिशन में है वो 30,000 लोग हैं और हमारे जो इंडियन सैनिक है वो सिर्फ 120 लोग थे। अब ये देखने वाली बात होगी कि कितना दिलचस्प होगा ये स्टोरी। और आपको बता दें इसकी शूटिंग भी शुरू होने वाली है और इसकी शूटिंग डायरेक्ट शुरू होगी लद्दाख से, और उधर ये सब स्टोरी दिखाई जाएगी, जो भी युद्ध हुआ था, जो भी कुछ हुआ था। अगर रोल की बात करें तो फरहान अख्तर इसमें परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर शैतान सिंह भाटी का रोल प्ले कर रहे हैं। और इसी के साथ तो वो 40 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों की कहानी पेश करेंगे। तो आप कितना एक्साइटेड है ये रियल स्टोरी जानने के लिए फरहान अख्तर के रोल में, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी प्रकार की बॉलीवुड अपडेट के लिए देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन।